नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। न्यायालय भारत के नागरिकों के आस्था का केंद्र है, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को यहां से न्याय की उम्मीद है। लेकिन लगातार न्यायालय के सारे अंग लंबित मुकदमों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिसके कारण मुकदमों में न्याय देर से हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री के सामने सवाल उठाए थे कि देश की जनता को हम समय से न्याय नहीं दे पा रहे हैं और सारा बोझ अदालतों पर नहीं डाला जा सकता है। एक बार फिर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने लंबित मुकदमों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और उसे दूर करने की एक योजना भी बनाई है। भले ही उनकी योजना न्यायाधीशों और कर्मचारियों को ये कड़वी दवा के समान लगे, लेकिन जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो ऑपरेशन ही एक विकल्प बचता है और न्यायालय के लंबित मुकदमे इसी स्थिति में पहुंच गए हैं। जस्टिस गोगोई ने कहा कि यदि न्यायिक तंत्र के कार्य प्रणाली में आमूलचूल बदलाव नहीं किया गया तो न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या के बाद भी मुकदमों का बोझ कम नहीं किया जा सकेगा। आज इसी चर्चा के लिए हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस बीडी नकवी साहब हैं, हाईकोर्ट के अध्यक्ष मनोज सिंह साहब हैं और एसपी मिश्रा हैं, सोशल एक्टिविस्ट। नकवी साहब, हमारी चर्चा को आप देख रहे हैं, जाहिर है आप जुडिशियल सेवा से जुड़े रहे हैं, लंबित मुकदमों की संख्या क्यों बढ़ती गई, क्या मूल कारण था कि ये संख्या बढ़ती चली गई, इलाज इसका नहीं हो पाया? जाहिर है कि प्रयास तो तब भी हुए होंगे। देखिए, ये सबसे पहले प्रयास तो हुआ लोक अदालतों का जो गठन हुआ वो पहला प्रयास था इस पेंडेंसी से निपटने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम वक्त के साथ नहीं चल रहा है, उतनी तेज नहीं चला, इसकी वजह से ये हमें पेंडेंसी देखना पड़ रही है। दूसरी एक और बात है, देखिए दो थॉट है दुनिया में कि अगर पेंडेंसी ज्यादा हो इसका मतलब ये भी है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस पे। दूसरा, हम एक नजर इस ये भी देखते हैं कि जहां मिनिमम लिटिगेशन हो वो सोसाइटी अच्छी है। तो हमको दोनों तरह से देखना होगा, लेकिन पेस विद द टाइम में बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एफर्ट की है, बात विचार हो रहा है। लेकिन मैं दो एक बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, बहुत जरूरी हो जाता है। उत्तराचल में जुडिशियल ऑफिसर बैठा हुआ है, पता चला 5 केसेस है उसके पास, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, जस्टिस को दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश की गई। ये इसमें थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, इससे बेहतर हो मोबाइल कोर्ट बना दो, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक ऑफिसर गया, वो मुकदमे तय करके आ गया। तो ये एक सिचुएशन है हिल स्टेट्स की, जहां ऑफिसर ज्यादा हैं, काम कम है, डीमोटिवेशन है, उसका उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, इस तरफ ध्यान देना होगा। यूपी में इसके एक अलग स्थिति है, अलग सिचुएशन है। मैं आपको एक बात बहुत जाहिर, मेरे 3 साल का तजर्बा है हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर जो चीज हो रही है, एक एक केसेस कई चीजें का रेवेन्यू डिस्प्यूट है, सोर्स रेवेन्यू डिस्प्यूट, पता चला मुकदमा 4-5 लिख गए, 4-5 फोरम में, वो रेवेन्यू कोर्ट में भी लड़ रहा है, वो सिविल कोर्ट में भी लड़ रहा है और वो अलग अलग कोर्ट्स में। तो डिस्प्यूट एक है लेकिन मुकदमे 5 हैं। तो हमको इस तरह से सिंगल विंडो सर्विस हमको देना होगी और इस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कि ये जो लोक अदालत में कुछ ऑफिसर्स को सिर्फ लोक अदालत का इंचार्ज बना दिया, वो ऑफिसर दिन में बैठा रहता है, मक्खी मारता रहता है, कोई काम नहीं है। पता चला 80 जुडिशियल ऑफिसर्स यूपी में ही बेकार हैं और हिंदुस्तान में कितने होंगे, काम उन्हें करना है डिस्पोजल का, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पॉलिसी में चेंज की जरूरत है। बिल्कुल मनोज जी, आप लॉ की रिपोर्टिंग भी करते हैं, एडवोकेट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली बार न्यायाधीशों की संख्या 100 को पार कर गई है और हाई कोर्ट इलाहाबाद में लंबित मुकदमों की संख्या लगभग 9 लाख के आसपास है जो बताई गई, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7,05,000 के आसपास इलाहाबाद हाईकोर्ट की है और 2,05,000 के आसपास लखनऊ खंडपीठ में। जो स्वीकृत न्यायाधीश है उनकी संख्या 160 है जिसको आप नहीं छू पा रहे हो। तो क्या ये जो पूरी स्थिति है हाई कोर्ट की, आप बड़े आशा के साथ आदमी आता है हाई कोर्ट के दरवाजे के साहब हमको यहाँ से न्याय मिलेगा, वो कहते हैं कि अगर न्याय भी देर से मिले तो अन्याय जैसा होता है, तो ऐसे में कैसे मुवक्किल को आपको लगेगा कि न्यायालय ही आए जो स्थितियां बन रही। देखिए, बेसिकली आपका जो आखिरी सेंटेंस है बहुत अच्छा है, कहावत है जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, मतलब जस्टिस न्याय बहुत देर में मिला तो गया न्याय, और बहुत जल्दी कर दिया तो बरीड, फिर ही दफन हो गया। इसके 2-3 कारण जो मेरा असेसमेंट निजी है, इसका परिणाम क्या है मैं नहीं कह सकता। देखिए, बेसिक चीज है कि आजादी के पहले तो अंग्रेज शासक थे, आजादी के बाद में मेरा मानना ये निजी तौर पे है
कि आजादी के बाद जो भी हुकूमतें या सरकारें या जो भी जहां जैसे आई व्यक्तिगत नहीं, उन लोगों ने न्यायपालिका की तरफ बहुत कम ध्यान दिया तुलना में अन्य क्षेत्रों की, वजह जो भी हो। दूसरी चीज, हमारी आबादी कई गुना आज बढ़ चुकी है। तीसरी चीज, लोग अपने मौलिक अधिकारों और छोटे मोटे जो सामान्य अधिकार हैं उसके प्रति जागरूक हैं। हम लोग एक कहावत सुना करते थे कि पहले उम्र कैद सजा हो जाती थी, लोग काट लेते थे। आज ये स्थिति नहीं है। आज एक 4-6 हजार पाने वाला शिक्षा मित्र है, वो है, सब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं शैक्षणिक डेवलपमेंट की वजह से। तो ये दूसरी, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल आता है। आपने सारा कुछ बढ़ा दिया, लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, उस अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है। ये बड़ी व्यवहारिक सी चीज है। माननीय न्यायमूर्तिगणों का जहां तक प्रश्न है, आज भी 160 सेंक्शन पोस्ट हैं, 60 के करीब कोर्ट्स यहाँ लखनऊ बेंच नए हाईकोर्ट में बनी है और 100 के ही आसपास घूम रही है माननीय न्यायमूर्तियों की संख्या। तो आबादी डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है अपना, यहाँ पर उसी अनुपात में कम से कम न्यायमूर्तिगण होने चाहिए। दूसरा, फिर कार्य पद्धति का प्रश्न आता है। उसमें मैं बड़ी ईमानदारी से और बहुत साफगोई से यह स्वीकार करता हूँ कि सब नहीं, एक कुछ परसेंटेज जो वकीलों की प्रवृत्ति है वो भी मल्टीपल लिटिगेशन और सेटिंग, मल्टीपल लिटिगेशन का मतलब बार बार मुकदमेबाजी जैसे सर ने कहा, और मुकदमों में लिंगारान कराने की प्रवृत्ति, जिससे कि उनका इंटरेस्ट एक का होता है ना, वो सिक्योर्ड रहे। ये सारी चीजें मिल करके इसके लिए एक ईमानदार कोशिश, अर्नेस्ट एंडेवर कहते हैं, ये करनी पड़ेगी। पहले सारे तो कमी को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ, बहुत ओपनली कह रहा हूँ, बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं। मैं अकेले न न्यायमूर्तिगणों का, न वकीलों का, न सिस्टम का ये दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से हमारा जैसे ट्रेनें फुल हो गई हैं, वैसे न्याय के लिए लोगों का आसरा भी बहुत बढ़ गया है, उम्मीदें उनकी बहुत। बिल्कुल। एसपी मिश्रा जी, आप तो जनरल लोगों के बीच काम कर रहे हो, क्या लगता है वो किस उम्मीद के साथ आते हैं न्यायालय और क्या सोचते हैं फिर जब पूरा मुकदमा चल रहा होता है? उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है न्यायालय? न्यायालय मुकदमों पर खरा तो उतरता है, विलम्ब से, कभी जल्दी, किंतु जैसे अभी हमारे नकवी साहब ने कहा कि लोक अदालतों की प्रक्रिया हुई, चीजें की वो चीजें बढ़ाई गई, लेकिन मूल प्रश्न फिर वही हुआ कि वाद इतने क्यों आए न्यायालय में। मूल प्रश्न ये आया कि हमको न्यायालय क्यों आना पड़ा। मैं एक अधिवक्ता की हैसियत से स्वयं ये कहता हूं कि पहले उसका डिस्पोजल प्राइमा फेस उस विभाग में जाकर के, उस सिविल की प्रक्रिया में उस व्यक्ति से मिल करके अगर उसका डिस्पोजल हो जाए, न्यायालय नहीं आना पड़ेगा लोगों को। मैं इस प्रक्रिया में, ठीक है, मैं एक अधिवक्ता व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अगर उसमें उस समस्या का पहले निस्तारण कर दिया जाए, सिविल केसेस में, राजस्व कोर्टों में, जितनी भी राजस्व कोर्टें होती हैं उसमें इसका निस्तारण कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से इन मुकदमों की संख्या आधी होगी, जो मेरा अपना मानना है। आज एक कोर्ट की ही बात मैं आपको बताता हूं। एक याचिका अपने यहां लखनऊ में, एक पेंडेंसी अभी 4 माह से है लखनऊ जनपद में, एक अम्बेडकर नगर बस्ती है शारदा नगर में, 4 माह से पेंडेंसी है। वो लोग 40 साल बस्ती में रह रहे हैं, पेंडेंसी है, लेकिन उन्होंने उस अधिवक्ता की जगह मेरे पास आए, मेरे पास उनके सारे सवालों के जवाब, क्या क्या चीजें पेंडेंसी थी। मैं स्वयं उनके साथ बीसी पीएन सिंह और पीओ डूडा से मिला। इसका निस्तारण यह कि आपने हमें उस जगह से डिस्पोजेस करने वाली प्रक्रिया को मान लिया कि हम उस जगह पे रिहेबिलिटेशन नहीं चाहते, आपने स्वीकार कर लिया, अब हमको उसी जगह रहने दिया जाए। इस प्रक्रिया में माननीय न्यायालय को एक बार हमने अपना प्रत्यावेदन दिया है, दोबारा जाने की आवश्यकता न पड़े। मतलब ये इस पे मतलब जल्दी हो जाता तो बेहतर, ये अगर जल्दी, यही प्रक्रिया एक साक्ष है मेरा। अगर जैसे हमारे बड़े भाई मनोज सिंह जी विधि पत्रकार है, इन सब चीजों को हमसे बेहतर नकवी साहब लोक अदालत की प्रक्रिया, इन सब चीजों को पहले। नकवी साहब आपको रोकते हैं, नकवी साहब एक और बात करते हैं, जिसको जिसकी शुरुआत दोनों लोगों ने की, मनोज जी ने भी की और एसपी मिश्रा ने भी की, क्या कार्यपालिका और विधायिका को जो करना चाहिए उसमें कहीं चूक हो रही है क्या? न्यायालय की तरफ लोग क्यों भाग रहे हैं?
देखिए हमारे सिस्टम में चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो या जुडिशियल अथॉरिटीज हो, उनकी सेंसिटिविटी जो है लिटिगेंट की तरफ, सोसाइटी की तरफ कम हो गई है। एक बड़ी तनख्वाह मिल रही है तब भी काम नहीं करेंगे, पहले ये था कम तनख्वाह मिलती थी, हमने 1800 पर नौकरी शुरू करी, आज हमारी पेंशन 80,000 है। अब ये बताइए कि हमने 1.5 लाख हमारी लास्ट सैलरी थी, 1,60,000, इसके बाद भी अगर हम काम नहीं करेंगे तो कमी हमारी है। ऑफिसर्स के अंदर सिलेक्टनेस है और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में एक अजीब सी चीज पैदा हुई है जो मैंने वक्त के साथ देखा, उसके अंदर एक ऑटोक्रेसी हो गई और जजेस ऑटोक्रेट हो गई जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, कि भाई उनको जो मान लें कोई सजेशन नहीं मानना, एक ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कराना, अच्छे ऑफिसर्स को मोटिवेट ना करना कि वो ज्यादा काम करें। भाई मोटिवेशन चाहिए ना, जो लोग यंग ऑफिसर से हम काम कराएंगे तो उसको मोटिवेशन दें कि भाई वो अच्छा काम करेगा तो उसे जल्दी प्रमोशन मिलेगा। हम एक ढर्रे पे चलते रहे बरसों, अब शायद मुझे उम्मीद है, कोई उम्मीद जगी है जैसे हमारे ऑनरेबल जस्टिस गोगोई का कि चीजें अच्छी की जाएंगी, लेकिन प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा इनको, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, हाई कोर्ट को प्रैग्मेटिक। उन्हें छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं, बहुत अच्छा है कि हाई कोर्ट जैसे छुट्टियां खत्म कर दी गई, लेटेस्ट डिसीजन बहुत अच्छा लगा कि भाई आप काम करिए, वर्क कल्चर बढ़ना चाहिए, हमें हम जितने घंटे आवर्स इतने आवर्स होते हैं काम करने के, और अब तो कंप्यूटर है हर चीज बड़ी आसान, एक ऑर्डर को लिखाना बहुत आसान है, मिनिस्टर ने 2 लाइन बोली उसने पूरा फॉर्मेट तैयार कर दिया, तो हमारे रिटायरमेंट से पहले पहले चीजें बहुत अच्छी हो गई थी और वर्क कल्चर बहुत बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना रिक्वायर्ड है। लेकिन एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को चलाने के लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, एक ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी कि आप गलत FIR क्यों करते हैं, समाज के अंदर एक झगड़ा एक से है, आपने 10 लोगों को फंसा दिया, समाज को यहां जिम्मेदार होना होगा। मैं चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लोगों को कि गलत FIR मत कराइए, गलत तरीके से छोटी छोटी चीजों को क्या कर लीजिए, 1-2 इंच या 1 फिट मेड के लिए आप फौजदारी कर लेते हैं, आप झगड़ा कर लेते हैं, ये चीजें समाज के अंदर एक सोच पैदा करनी होगी जिसकी रामित जी बहुत जरूरत है हमको। मनोज जी क्या लगता है कि अधिवक्ताओं की भी जवाबदेही वकीलों के प्रति तय होनी चाहिए? 100% तय होनी चाहिए, अधिवक्ताओं की भी, माननीय न्यायिक अधिकारियों की भी, और कार्यपालिका को भी, और सबसे पहले विधायिका को भी इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी 3 चीजों से मिलकर ही बनी हुई है। अगर कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा, अंग काम नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। जैसे नकवी साहब ने बताया कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। आप बताइए, हम लोग खबर लिखते हैं कभी कभी मिल जाती हैं कि 39 साल बाद अपील, 4th-5th generation शुरू हो जाएगी, पता ही नहीं फादर के साथ फोर फादर के साथ क्या हुआ, और वो अपील अब डिसाइड होने न होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना लिंगर चल रहा है जी। वर्क हो रहा है, अपील्स की कोर्टें बड़ी हैं, सारा एम्फेसाइजेशन है, लेकिन उसमें एक बड़ी व्यवहारिक चीज आती, मालिया मर्डर की कोई अपील 20 साल पहले 15 साल पहले दाखिल हुई, उस जमाने में जमानत वगैरह का जो वो था, मुलजिम को जमानत मिल गई टोटली, अब मुलजिम को जब जमानत मिल गई तो वो बेल को अपना अवेल कर रहा है, उम्र बढ़ रही, वो कभी नहीं, वो या उनका अधिवक्ता ये चाहेंगे कि अब मान लो सजा होने की स्थिति आ गई, अपील में 2 ही चीजें होती है, एक्विटल, सजा हो गई कन्फर्म, तो जेल जाना पड़ेगा, तो प्रवृत्ति जो है उसको तो आप नहीं सोसाइटी की रोक पाएंगे, हर आदमी एक कीटी को भी मारने दौड़िए तो वो डिफेंस करती है, यही सिस्टम है हमारा, सिस्टम ये बनाना पड़ेगा। इसके लिए मेरा एक मानना है कि ईमानदारी से ये जो वर्क कल्चर है इसको डेवलप किया जाए, फुलफिलमेंट ऑफ जुडिशियल अफसर्स और अनबल जजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ध्यान दिया जाए इस पर थोड़ा देर कर, क्योंकि न्याय न मिलना ये सामाजिक यूनिटी के लिए भी बड़ा घातक है। न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी फिर अन्याय का तरीका पकड़ने लगता है, ये जो एस्पेक्ट भी है इसका, लोकल में लोग न्याय ढूंढने हमें मानना पड़ेगा इस चीज को, बहुत अच्छी बात, ये गलत चीज। SP मिश्रा जी, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, तमाम गांव के मामले गांव में निपट जाते थे, पंचायतें निपटा देती थी जी, और वहां से जो शुरू होकर सिविल केसेस की बात हम ज्यादातर कर रहे हैं, इनको रोका जा सकता है जी अगर कार्यपालिका ठीक से काम करे और जो सिस्टम है पंचायत का वो ठीक से जी काम जी करे। जी मैं नकवी साहब की बात से भी सहमत हूँ। एक और बात है जो मैं RTI का देखता हूँ, केंद्रीय सूचना आयोग है, मैक्सिमम 1 पेशी या 2 पेशी, ये आप लोग भी जानते हैं, 1 पेशी में आप जवाब लाए हैं कि नहीं लाए हैं, फाइन, आपके ऊपर जुर्माना। इसी तरह राजस्व कोर्टों में एकदम धारा 34 हो, 201 हो, कोई भी हो, उसका एक निर्धारण समय सीमा निर्धारण रहे, आपको इस समय इस अधिकारी को इतनी देर में जवाबदेही देनी है। और आपने कहा अधिवक्ता के लिए, अधिवक्ता का भी वो
कोड बना है, लेकिन उसको भी एक अपनी जवाबदेही अगर वो देता है तो उसको भी एक वो देना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और उसके अतिरिक्त आम जनता अब किसी थर्ड पार्टी के पास जाती है या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो मदद करता है या पॉलिटिकल शेल्टर या किसी भी तरह का शेल्टर देता है, इससे न्यायपालिका के विलंब की एक वजह से अगर उस जगह जाता है तो वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो हम आप त्वरित फायदे के लिए तो चले जाते हैं लेकिन उसका क्या तात्कालिक लाभ होता है, नहीं होता है। बिल्कुल, उन चीजों पे हम चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा, उन चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा। नकवी साहब, क्या लगता है कि न्यायतंत्र की जो जटिल प्रक्रिया है इसमें बदलाव की गुंजाइश है, जिसकी बात चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं? ये आपने इतना अच्छा सवाल किया है इसमें, और ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है, इसे असल में बहुत जो लोग पढ़े लिखे हों वो समझ सकते हैं। हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है, वो अंग्रेजों के जमाने का है, उसकी वो बहुत जिम्मेदार है इस प्रक्रिया को कॉम्प्लेक्स करने का। अरे उस प्रोसीजर में फंस जाएंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट इज द न्याय, जस्टिस इज न्याय, और प्रोसीजर एक हमारा तरीका है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे हमारे अभी साथी स्पीकर ने कहा कि भाई वकीलों को जिम्मेदारी, वकील स्ट्राइक ना करें, कुछ फैसले बहुत कड़े लेने होंगे, वकीलों को किसी भी हालत में स्ट्राइक का जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिले उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, और प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सीपीसी सीआरपीसी जो एक सिंपल सा कोड है, लेकिन सीपीसी बहुत जटिल है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत अच्छा एक शेर अहमद फराज का मुझे याद आ गया, इंसाफ की भीख कैसे मिलती, इंसाफ की भीख कैसे मिलती, कानून शहादतों में गुम था। हम प्रोसीजर में फंसे रह जाते हैं और अपने ऑब्जेक्ट से, अपने टारगेट से कहीं मुनहरिफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, वो हम टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल प्रोसीजर, अटेनमेंट ऑफ द टारगेट, लोग रिस्पॉन्सिबल हों, ऑफिसर पूरा सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है कि न्याय कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे समाज में डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर न्याय से वंचित है इंसान तो मैं समझता हूं कि हम वाकई फेल सोसाइटी कहलाएंगे दुनिया में। हमारा नाम, हमारी सोसाइटी सिविलाइज सोसाइटी कहलाती है, हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, हमने सारे मूल सारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर हमने दुनिया के बेस्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सभी इंपोर्ट किया है, उसके बाद हमने बनाया है, ताकि हमारा एक आईन है, एक दस्तूर है, उसके जरिए हमें सब चीज करना है। हर आर्गन को अच्छी तरह काम करना पड़ेगा, विटनेसेस कोर्ट में वक्त पे आए, मुलजिम को जल्दी अरेस्ट किया जाए, और उसके बाद फिर कोर्ट्स तेजी से काम करें। जैसे कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, उससे कुछ न्याय मिला है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। मनोज जी, क्या प्रबंधन की जो बात हो रही थी आपने शुरू किया था, न्याय प्रबंधन उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत हो, बेहतर किया जाए? न्याय प्रबंधन में बदलाव की पूरी जरूरत है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे हमारे अनुबल हाईकोर्ट में कोर्ट मैनेजर्स का कंसेप्ट 2-4 साल से डेवलप हुआ है, उसमें लोग रखे जा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, ये जो ई कोर्ट्स वगैरह। लेकिन हमारा देश अभी भी एक रटी रटाई परंपरा पर चलता है, वो लगा है, सब कुछ है, सिस्टम है, इंटरनेट है। मेरी समझ में इसका एक बेसिक कारण आता है, जो पॉपुलेशन और मल्टीपल लिटिगेशन बढ़ रहा है देशों में, मल्टीपल लिटिगेशन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी जागरूक हो रही। दूसरी चीज, लोग राइवलरी में भी लिटिगेशन को बढ़ा रहे हैं। लिटिगेशन अपने आप नहीं बढ़ता है, लिटिगेशन क्रिमिनल हो और सिविल हो या कुछ हो। और तीसरी चीज जो नकवी साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है, हम लोग आज भी 170 साल 60 साल पौने 200 साल पुराने कानूनों से शासित हो रहे हैं। वही मैंने वेरी बिगनिंग कहा था कि जो हमारा विधायिका है, लेजिस्लेचर है, जिसका सोल वर्क है टू लेजिस्लेट द लॉ, कानून को बनाना ही जिनका काम है। बहुत मुझे क्षमा याचना के साथ ये कहना पड़ रहा है माननीयों के लिए कि कानून में ही बदलाव में सबसे देर होती है, बाकी सारे काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहले तो आप जब कानून देखिए, कानून का एक बड़ा सीधा सिद्धांत है, कानून की अपनी शास्ति अपनी ताकत होती है, लॉ हैज इट्स ओन फोर्स। अपनी जब कानून बन जाएगा तो लोग उसका पालन करेंगे, पहले धीरे धीरे करेंगे। और सावन वगैरह वेद शास्त्रियों ने यही तक कहा है कि सुख का विसरण और पीड़ा का परिहार, यह सिद्धांत है कि समाज में सुख प्रिवेल करे और लोगों की तकलीफें दूर हों। और इसके लिए सोचना होगा सारे ऑर्गन्स को, चाहे वो लॉयर्स हों, एडवोकेट्स हों, लेजिस्लेटर्स हों, पुलिस पर्सनल्स हों, प्रोसिक्यूटर्स हों, ऑल आर लाइबल टुवर्ड्स इट, बिकॉज न्याय देना एक बड़ी पवित्र परंपरा है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम वेस्टर्न को लिए डैश वगैरह की, मतलब जो फिलॉसफी है हमारे पीछे वो बड़ी ईमानदार कोशिश है। सिस्टम और प्रोसीजर में हम लोग उलझ करके वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लिटिगेशन चलता है। बिल्कुल,
जनहित के बहुत मामले आप लोग लेके जाते हो एसपी मिश्रा जी, क्यों जनहित के मामले ऊंची अदालतों तक पहुंचते हैं? जनहित के मामले ऊंची अदालतों तक पहुंचते हैं उसका सीधा कारण है कि जब व्यक्ति का फेल्योर हो जाता है जी जी, और जनहित याचिकाओं या वही जनहित के मामले वो होते हैं जिनका बेसिक ये है कि जब लोग अपने राइट्स को उठाने की स्थिति में न हो, जैसे बच्चे हैं होटलों में काम कर रहे हैं या ऐसा सेक्शन जो अपनी चीज को राइज न कर रहा हो, रेज न कर पा रहा हो, तो उसके लिए है। जनहित याचिकाओं से बड़े अच्छे काम हो गए हैं, चाहे अपने शहर में हो या दिल्ली में हो, जनहित याचिकाओं पर बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। साइमल्टेनियसली मिसयूज भी खूब होता है जनहित। मिश्रा जी, क्या लगता है कि निकट भविष्य में जिस तरीके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब बोल रहे हैं, निकट भविष्य में लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, संभव है। और अगर इसमें सबसे प्राइमा फेस है अधिवक्ता को हमेशा माननीय न्यायालय ऑनर देता है कि विद्वान अधिवक्ता हमेशा अलवेज कहता है, इसी तरह न्याय के लिए जनहित याचिकाओं के लिए, जनहित याचिकाओं के लिए आम समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की पीड़ा अगर छोटे सी भी समस्या है, बिजली की बिल से लेकर छोटी भी समस्या है, उसके लिए भी कोई भी पत्राचार कर देना, किसी की जमीन की समस्या को सुलझा देना, इन चीजों को भी आम जनमानस को अपने तक रखना पड़ेगा। एसपीओस जो कई राज्यों में है, एसपीओस की तैनाती, न्याय मित्रों की तैनाती, इन सब चीजों को सरकार अभी जैसे पुलिस प्रक्रिया में अचानक कहना नहीं चाहिए, अचानक एक विद्रोह की भावना सी दिखाई पड़ने लगी काली पट्टी बांध के। एक पुलिस सुधार आयोग का गठन हुआ था 2013 में, बिल्कुल हम चर्चा लेकिन कोर्ट के कोर्ट हाँ चलिए ठीक है जी जी। उस प्रक्रिया में पुलिस और न्याय की प्रक्रिया के बीच की बात हम कर रहे हैं कि जहां पर इस चीज को पालन करने में किसी व्यक्ति को भी आगे आना ही आना पड़ेगा, मैं वो भी एक हमारा विषय है। चलिए पुलिसिंग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस है जो, वो तो तय करके आए ना कि हमारे क्या नियम कानून है, जब वो ज्वाइन करते हैं तो जानते हैं कि क्या नियम कानून है और उसका उसमें विद्रोह जैसी कोई स्थिति नहीं। जिन मामलों की पैरवी मनोज जी नीचे संभव है, जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं, बीटी नकवी साहब तक आना, जो नीचे संभव निचली अदालतों में, वो नीचे क्यों नहीं पूरी होती कि ऊपरी अदालतों तक आती, ये भी एक बड़ी पंडित जी का कारण। देखिए निचली अदालतों में हम लोग प्राइवेट वकालत से भी जुड़े हुए हैं, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी आता है तो वो कहता है बाबूजी कुछ हाईकोर्ट में कराइए। हम लोग देखते हैं कि भाई पहले इसका ट्रायल कोर्ट में या सिविल कोर्ट में इसका इलाज है, वो मतलब अपने जिले से, शहर से, गांव से चलता है कि हाई कोर्ट का टिकट खरीद के शो देखना है। देखिए बड़ी व्यवहारिक चीज में बता रहा हूँ, अपने पेशे की बड़ी गोपनीय चीज। तो हम लोग उसको समझाते हैं एक बार की, अरे जिले वाले कुछ नहीं करा पाए बाबू जी, अब तो अच्छे जो राय देते हैं कि भैया वहां पहले देखो हारो जी, तो उसके बाद यहाँ आता है अगर प्रोसीजरल है तो। अब हाईकोर्ट को वो ये समझता है क्लाइंट की कोई आर्डर हो जाएगा उसका इम्पैक्ट या इम्प्लीमेंटेशन जो असर होगा वो बड़ा मजबूत होगा। तो नीचे से सुधारने के लिए यहाँ की प्रवृत्ति भी एक लिटिगेशन, वो अंग्रेजों से हम लोग बहुत ज्यादा शासित रहे तो इस वजह से प्रवृत्ति बढ़ गई एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वेरी पिटी ऑफेंसेस। नकवी साहब क्या लगता है कि ऊंची अदालतों में जो इस तरह के मामले आ जाते हैं जिनको नीचे निपटाया जा सकता है, तो उसमें रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, मैं तो इसका बहुत ज्यादा एडवोकेसी करता हूं कि ये जो यूसर्पिंग हुआ है पावर का, हमारा सिस्टम यूसर्पिंग हो गया। डिस्ट्रिक्ट जज जो काम करता था वो अब हाईकोर्ट में होगा, जो मैजिस्ट्रेट करता था वो डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। ये हमारे एडवोकेट साहब बिल्कुल इस बात को मेरे अप्रिशिएट करेंगे। और उसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट हो गया, हाईकोर्ट के अंदर लिटिगेशन बढ़ाने का एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है, इस बात पर मॉनिटर करना पड़ेगा हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, क्योंकि हमारे ऑनरेबल जजेस के रिश्तेदार से वकालत हाईकोर्ट में करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि साहब सारे मुकदमे हाईकोर्ट में तय हों, और बेचारे मजिस्ट्रेट बीच आर्डर करते रहते हैं। मामूली बेल जो है, एक जरूर मीटिंग में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ या चीफ जस्टिस थे हमारे, तो वो मीटिंग में कह रहे थे वो जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा साहब जजेस से, अरे भाई आप बेल रिजेक्ट करके ऊपर भेज देते हैं और वो लोग नीचे काम करिए। तो नीचे काम कराने के लिए डायरेक्शन होने चाहिए, बल्कि ये डायरेक्शन होते हो जाते हैं। मैं बहुत माफी के साथ चाहूंगा ऑनरेबल हाईकोर्ट के कुछ जजेस एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस कि आपको ये बेल नहीं करना है, इसको आपको भेजना है ऊपर। ये जो एक अंडरहैंड, एक नीचे से एक चीज चल रहा है, एक हिडन एजेंडा है हमारा, एक बहुत लोग कम जानते हैं जुडिशरी के बारे में, जो लोग बहुत करीब से जुड़े हुए वो जानते हैं। मैं बहुत सफाई से ही बात कह रहा हूं कि ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा हमको, नीचे जो अदालतें हैं उन ऑफिसर्स से काम कराना होगा ताकि हाईकोर्ट में पेंडेंसी कम हो और बेवजह पेंडेंसी ना बढ़े। आर्डर आर्टिकल 226 का एक इंटरप्रिटेशन है, एनी ऑर्डर, उसको बहुत ब्रॉडन कर दिया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने
के साथ कोई भी ऑर्डर हाईकोर्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपीलेट कोर्ट है, आपको अपीलेट कोर्ट बन के बैठना है, तब आप मॉनिटर कर जाए कर सकेंगे। अगर आप खुद ही फैसला करेंगे, ट्रायल आप करेंगे, तो आपकी अपील कौन सुनेगा? ये प्रॉब्लम आने में सुप्रीम कोर्ट में भी आ गई कि जो कुछ मैटर उन्होंने तय करे, बात को रिव्यू किया, और क्यूरेटिव रेट का एक कॉन्सेप्ट आया कि गलती हमसे भी हो सकती है। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर में मानी, लेकिन मानी और इसके इससे इंसाफ मिला लोगों को। मनोज जी, क्या जिसकी बात नकवी साहब ने कहा था कि बार और बेंच के बीच तालमेल अच्छा होना चाहिए, कहीं उसमें भी चूक आती है क्या? बार और बेंच के बीच तालमेल अच्छा होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से यही होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ये बातें मैं वकालत के डे वन से सुनता आ रहा हूँ, उसमें भी अपने अपने निहितार्थ रहते हैं अंदर से। बार और बेंच में कार्डियल रिलेशन से ही न्याय का रथ चल सकता है, लेकिन उसमें मेरा जो अधिवक्ता समुदाय है, मैं सबको तो नहीं दोषी कहूंगा, लेकिन कुछ लोग वकालत से कुछ इतर भी, जो जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, कुछ धन्य तोपी, मतलब नाना पुराण निगमागम सम्मतम, वकालत में सब कुछ है, लेकिन जो और भी काम वो करने लगे हैं वो नहीं करना चाहिए उनको जी। न्याय का मतलब न्याय है, और बेंच और बार दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करके ऑनेस्टली कोऑपरेट करके चलेंगे, तब न्याय का विसरण हो सकता है। हमें याद है बहुत अच्छे अच्छे न्यायमूर्तिगणों के सामने मुझे अपीयर होने का मौका मिला, और मैं नाम लूंगा ऑनरेबल जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस, नाउ रिटायर्ड जस्टिस, देन ही वाज सिटिंग मार्कंडेय काटजू साहब का, वो कहते थे इलाहाबाद में मैं 60 सेकंड देता हूं एक वकील को, और यहां 120 सेकंड दूंगा क्योंकि मैं यहां आया हूं, और एक मिनट और दो मिनट में अगर आप अपनी बात कह पाए हो, हम समझ पाए हो, लिखा दिए तो ठीक है। ओपन कोर्ट में कहते थे, कोई मतलब हिडन एजेंडा नहीं, हम लोग भी अपीयर होते थे उनके सामने रिट्स में और उसमें, तो इस तरह की व्यवस्था। लेकिन वो हरीड वाला काम नहीं है, कॉम्पिटेंसी हो, दो चार मिनट सुनिए, क्योंकि ये इक्विटी कोर्ट्स हैं। इक्विटी कोर्ट्स में सिविल कोर्ट की तरह सम्मान प्रोसेस फलाना प्रोसीजर, इक्विटी कोर्ट्स जब ये बनाई गए तो इसमें त्वरित न्याय होना चाहिए, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, हैव सीन, देखा और जजमेंट हो गया। ये एक आशा है, प्रत्याशा है समाज के लिए, जिससे समाज में न्याय बहुत जरूरी भी है, सामाजिक स्थिरता के लिए। एक और सवाल आपसे पूछते हुए चलें, न्याय बहुत महंगा हो गया है। हाँ, न्याय महंगा हो गया है, लेकिन अब वो हो गया है, ऐसा कोई नियम नहीं, फीस लेने का तो कोई वो बना नहीं वकीलों का, लेकिन ऐसा नहीं है। न्याय मित्र की कंसेप्ट बहुत समय से चल रहा है, अपील्स में जेल से तलबी होती है, अपील्स में जो कहते हैं साहब हमको सरकारी खर्चे वकील दिलाइए, तो हम लोग कोर्ट से असिस्ट कर देते हैं, 8-10 साल का ठीक ठाक वकील है उसको एंगेज करिए, और उसकी फीस भी बढ़ गई है, पहले बहुत कम हुआ करती थी, बढ़ गई है, तो उसमें हो जाता है। तो अब न्याय महंगा है, वही हाल है कि महंगा न्याय, महंगा इलाज, अब वो देश की प्रवृत्ति है, इसको हम आप क्या करेंगे। न्याय महंगा तो साथ में ही है, लेकिन गरीबों को भी न्याय मिल रहा है, थोड़ा इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और उनको वकील भी मुहैया कराए जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा दिया जाता है उनको। कोई एसपी मिश्रा जी, आप नीचे की अदालतों से जुड़े हो, कैसे चेंज आए? चीफ जस्टिस साहब ऊपर कह रहे हैं, लेकिन नीचे की अदालतों में क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए तो ये बदलाव आए, मुकदमों की संख्या कम हो जाए? यहाँ निचली अदालतों में, राजस्व अदालतें और सिविल अदालतों में, इस प्रक्रिया को सबसे पहले अधिकारी संवर्ग, जो हमारे नकवी साहब ने कहा, पहले उनकी एक जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप किसी प्रार्थना पत्र को देते हैं, आप उसका डिस्पोजल करेंगे ही करेंगे, उस प्रार्थना पत्र का एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण होगा, तभी उस प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया में कमी लाई जा सकती। तो आप लोगों से ऐसे लोग हैं जिनको न्याय की जानकारी, न्याय विभाग की हमको भी बहुत कम है, लेकिन आप लोगों से तमाम जानकारियां हमको भी, क्योंकि जब कमी पकड़ ली जाती है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने वो सारी चीजें देखी और क्या चेंज करना है, तो ये उम्मीद तो बननी चाहिए हम लोगों को कि लोगों को सस्ता, सरल और सुगमता से न्याय मिलेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, जय हिंद, नमस्कार।